क्या क्या बात कर रहे हैं? भैया सुषमा, भगवान के आगे किसका जोर चलता है? सब्र करो। कैसे सब्र करूं दीदी? ये तो मुझे छोड़ के चले गए। इनकी जगह मुझे क्यों ना मौत आ गई? चुप हो जाओ। भैया भैया क्या हो गया? भैया भैया उठो ना, भैया 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 उठो ना, भैया देखो ना मुनेंद्र, भैया भैया उठो। धीरज रखो भैया, इंसान मिट्टी का पुतला है, कब क्या हो जाए कोई बता नहीं सकता। धीरज तो रखना ही होगा भैया, बस मैं तो यही कहूंगा जितना जल्दी हो सके अंतिम संस्कार के लिए ले चले। नहीं, कोई नहीं चाहेगा मेरे भाई को, मेरे भाई को कोई नहीं चाहेगा। भैया उठ जाओ भैया, भैया देखो ना भैया, ए भैया उठो ना भैया, प्लीज उठो ना। ए भैया क्या करो ना भैया। सत्येंद्र की मिट्टी को घर से बाहर ले चले भैया। नहीं, कोई मेरे भाई की लाश को हाथ नहीं लगाएगा, कोई नहीं, मेरे भाई को कोई नहीं छेड़ेगा। क्या कह रहे हो भैया? चल भैया, मैं अपने भाई की मौत का पुलिस जांच करवाऊंगा। मेरा भाई मरा नहीं, किसी ने उसे मारा। पुलिस को बुलाओ। हेलो, हेलो, पुलिस स्टेशन? हाँ सर, मैं मुनेंद्र बोल रहा हूँ, जगदीशपुर गांव से। हाँ बोलिए। मेरे बड़े भाई सत्येंद्र का खून हो गया है। खून? जी सर, लाश अभी घर पे पड़ी है सर, जल्दी आ जाइए प्लीज। अच्छा, हम लोग अभी पहुंच रहे हैं। कैसे वैसे? आज सवेरे जब भाभी इनको उठाए तो उठे नहीं, दो तीन बार और उठाने की कोशिश, उठे पता नहीं रात को क्या हो गया। फोन आपने किया था जी, और कुछ जानते हैं आप?
अमित, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। पूरी कोशिश कर रहे हैं। कहाँ कोशिश कर रहे हैं सर, कोशिश तो हमकी दिख नहीं रही है। मेरे भाई की लाश पड़ी है ना, आपसे किसी से पूछताछ कर रहे हैं ना किसी से बात कर रहे हैं, इसे कोशिश करते हैं आप? सर हम लोग लगे हुए हैं। अरे कहाँ लगे हुए हैं, मुझे दिख तो नहीं रहा। अपने गांव वालों से बात कर रहे हैं ना, मेरे घर में बात कर रहे हैं ना, चेक करने आए। इसे आप कोशिश कहेंगे, इसे लगना कहेंगे? आपके सर तक तो यहाँ है नहीं, मैं कितने बार आ गया। आप लोगों का यही बिहेव रहा ना तो मैं अभी पुलिस स्टेशन के सामने भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। अभी जा रहा हूं मैं, और आप देख लीजिएगा। दिन हो गए तुझे भूख हड़ताल पे बैठे हुए, क्या हुआ, कोई सुनवाई हुई? सही कह रहे हैं ये क्या पुलिस है, क्या पड़ी है इन्हें तुम्हारी खबर लेने की? मरो या जियो कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। मेरी बात मानो तो घर चलो, छोड़ दो ये भूख हड़ताल। लगता है एसपी साहब आ गए। सर इंस्पेक्टर शिव कुमार सर। जानता हूँ, आपकी रिपोर्ट है मेरे पास। सर मेरे लाख कोशिश के बावजूद भी ये लोग अपनी जीत पे अड़े हैं। नो एक्सक्यूज, आई नीड सॉल्यूशन। सर जूस मंगा लीजिएगा। जूस लेके जल्दी आइए। पुनेंद्र, मुझे आपके भाई की मौत का अफसोस हो, लेकिन भूख हड़ताल तो समस्या का समाधान नहीं है ना। पहले आप ये भूख हड़ताल खत्म कीजिए और अपने भाई का अंतिम संस्कार कीजिए। नहीं सर, मैं ये भूख हड़ताल नहीं खत्म करूंगा जब तक मेरे भाई का कातिल नहीं पकड़ा जाएगा। अपने भाई का अंतिम संस्कार भी नहीं करूंगा, लाश मुर्दा घर में ही पड़ी रहे। मुनेंद्र, पिछले 7 दिनों से पुलिस जमीन आसमान एक कर दी, लेकिन हत्या की वजह और हत्यारों का पता नहीं लगा। इसके लिए हम शर्मिंदा हैं, लेकिन आप भरोसा रखिए, आपके भाई के हत्यारे बहुत जल्दी ही कानून के गिरफ्त में होंगे। मुनेंद्र संभालिए अपने आप को। मेरा भाई, प्लीज मुनेंद्र समझिए, मैं आपके भाई को वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन उनके हत्यारों को सजा जरूर दिलाऊंगा। आपके भाई का ये केस
देश के मशहूर जासूस मदन डोगरा को सौंपा गया। हत्यारे बहुत जल्दी ही कानून की मुट्ठी में हो। जूस लो। प्लीज। गांव वालों के साथ इनका आपस में रहना कोई कैसा है? इस गांव में जिनका खून हुआ सत्येंद्र, उसके भाई से उसका रिलेशन कैसा था? सब अच्छे से। वाले से अच्छे से रहते थे, प्यार से। अच्छा, अच्छा था। कोई जानकारी मिली? नहीं जी, कुछ भी नहीं पता चलिया। कुछ छोड़ा दे संबंध दे बारे? गांव वालों ने कुछ पता ही नहीं सी। मैंने बहुत पता करिया, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कोई क्लू उन्हें दे रिलेशन दे बारे, किसी चीज दे बारे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। किस तरह होएगा? और तू आनू, तू कुछ पता लग गया? कुछ नहीं, वही जवाब जो तुम्हें मिले जवाब के बड़ा अच्छा रिलेशन सी, गांव वाले ना कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। किस तरह साबित होएगा? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक आपके पति की मौत दम घुटने से हुई है। पता नहीं साहब, रात को तो अच्छा खा पी करके सोए थे। कोई तो कहता है हार्ट अटैक आया है, कोई कुछ बोलता है। हार्ट अटैक में भी इंसान थोड़ा बहुत तड़पता ही है, बेशक कुछ सेकंड के लिए। अच्छा एक बात बताइए, आप कहां सोई थी? जहां रोज सोती हूं। मतलब सत्येंद्र के पास ही ना? या तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, मेरे पति मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ के चले गए, मैं विधवा हो गई और इसे उनकी मिट्टी की दुर्गति करवाने की पड़ी है। अच्छे से जानती हूं मैं इसे। देखिए सुषमा जी, आपके पति की मौत हुई है, इस बात का हमें भी दुख है, लेकिन अब क्या करें? साहब, मेरे पति की तो मौत के बाद भी दुर्गति हो रही है, भला कोई इतने टाइम तक किसी की मिट्टी रखता है? क्या आप अपने पति के हत्यारे को सजा नहीं दिलाना चाहती? साहब, अगर उनकी हत्या हुई होती तो क्या मुझे नहीं पता चलता? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय आप बात को घुमा रही हैं। आप ये बताइए, रात को आप कहां सोई थी? मेरे पति के साथ एक ही बिस्तर पे सोए थे हम दोनों। एक ही बिस्तर पर? और फिर भी मर्डर हो गया और आपको पता भी नहीं चला? हे भगवान, कैसे कहूं, कैसे समझाऊं वो आपको? समझा मत। डोंगरा साहब जो पूछ रहे हैं उसका सही सही जवाब दो। सत्येंद्र का दम कैसे घुटा? जवाब दो। वो हमेशा मुंह ढक करके सोते थे, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात, कैसे भी कहीं मुंह ढकने से। चलो मान ली तुम्हारी बात, एक बात बताओ, तुम्हारे पति की मौत हुई ये तुम्हें कब मालूम हुआ? जब मैं उन्हें सुबह जगाने गई तो वो जागे ही नहीं,
मैंने उनको हिलाया डुलाया, नहीं जागे वो, फिर मैं रोने लगी। उसके बाद? फिर मैंने गांव वालों को बुलाया। गांव वालों को क्यों? मनिंदर आपका तेवर है ना, फिर आपने उसे क्यों नहीं बताया? आपस में तुम्हारा और मनिंदर का झगड़ा है क्या? नहीं साहब। तो फिर उसे बुलाना चाहिए था। घर में जब भी कोई अनहोनी घटती है तो सबसे पहले अपनों को बताया जाता है, बेगानों को नहीं। मैं वो इंस्पेक्टर साहब, इन्हें थाने ले चलो। सुषमा जी, बिना देर किए सच्चाई बयान कर दो। बता तो रही हूं साहब, मेरे पति शाम तक बिल्कुल सही थे। ना ना, ये तुमसे कई बार सुन चुकी है, वो बताओ जो हम सुनना चाहते हैं। वही बता रही हूँ साहब आपको, जो हुआ है। अच्छा लग नहीं बता रही। इंस्पेक्टर साहब। सर। आगे का काम आपके डिपार्टमेंट का है, संभालिए। नवनीते आ चलो। चलिए जी। शर्मिला। जी सर। शुरू हो जाओ। मुझे शक ही नहीं, यकीन है नवनीते, कि पति की मौत हो जाए और पत्नी को पता ही ना चले, जबकि दोनों एक साथ एक ही कमरे में सो रहे थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा। बोल, बोल, किसने मरवा दिया अपने पति को? बोल, जवाब दे मुझे, तेरा झूठ नहीं सुनने, तेरा सच सुनना है मुझे, जवाब दे। नाटक मत कर, बता सबको सच। बता क्या मारा सतेंद्र को? बताती हूँ साहब, सब बताती हूँ। बताती हूँ साहब, सब बताती हूँ। 10 साल पहले हमारी शादी हुई थी, हम दोनों बहुत खुश थे, बहुत प्यार था हम दोनों में। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती चली गई, वैसे वैसे हमारे खर्चे भी बढ़ने लगे। इसलिए सत्येंद्र के दिमाग में और पैसा कमाने की धुन चढ़ गई। पैसा कमाने के लिए सुबह ही अंधेरे में निकल जाते थे काम पे। उनको लगता था कि मुझे पता नहीं चलता, लेकिन मुझे सब पता रहता था। रात को आते थे, खाना खा के दूसरी तरफ मुंह करके सो जाते थे। कभी कभी तो ऐसा होता था, सुबह जाते थे तो अगले दिन आते थे। उनके ये पार्ट टाइम ओवर टाइम जॉब बदलना, ये जॉब, इन सबसे मैं बहुत परेशान हो गई थी। ऐसा नहीं है साहब कि
प्यार बचाने के लिए अपनी गृहस्थी बचाने की कोशिश नहीं की। मैंने कोशिश बहुत की, उनको रात में भी जगाती भी थी तो मेरा हाथ झटक देते थे, दूसरी तरफ करवट ले लेते थे, कहते थे मुझे सोने दो, परेशान मत करो। उनके नरकों से मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। बस उनको तो सिर्फ एक ही बात रहती थी, एक ही धुन सवार थी, कैसे मैं पैसा कमाऊं, पैसा पैसा पैसा। सुनो क्या है? अब तो आते ही सो जाते हैं तो क्या करूं, पानी पीटूं? अब मैं पानी पीटने के लिए थोड़ा ही बोल रही हूँ। देख सो जा, मैं बहुत थक गया हूँ, ओवरटाइम करके आया हूँ। भाई आपके हाथ पे दबा देती हूँ। रहने दे, चुपचाप सो जा और मुझे भी सोने दे। नींद नहीं आ रही है। तू पागल है, बात समझ में नहीं आती। कितना सोते हैं आप? तेरी तरह दिन भर घर में नहीं बैठा रहता हूँ। 16-16 घंटे काम करने के बाद शरीर का कचुंबर निकल जाता है, मेरी जगह होती ना तब समझ में आता। तभी तो कह रही हूँ, चलाइए आपके हाथ पे दवा दे। देख सुषमा, तंग मत कर, नहीं तो मैं बाहर जाके सो जाऊंगा। भाभी कहाँ जा रही? भाभी देवर जी तुम यहाँ? हाँ वो देखने आया था कि खेत जुताई के लायक हुए या नहीं। कोई और चक्कर तो नहीं ना? भाभी आप तो मजाक करने लगी। गबरू जवान हो, पटा लो किसी को, कोई ना कोई तो पटी जाएगी। अरे शर्मा गए आप तो, मैं तो मजाक कर रही थी, अब मुझे देखो। आप ही को तो देख रहा हूँ भाभी, भैया दिन पर दिन सूखे जा रहे हैं और आप पे हरियाली छाई हुई है, क्या बात है? अब उनको तो सूखना ही है। क्यों, ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? उनके पास टाइम ही कहाँ है मेरे लिए। लेकिन मेरे पास तो है। क्या आपके लिए टाइम? अब तुम्हारा टाइम मेरे लिए किस काम का? बहुत काम का है भाभी।
सब क्या है बंटी? वही जो तुम वीरू के साथ कर रही थी। प्लीज इसे डिलीट कर दो, मेरी बहुत बेइज्जती होगी। मैं गांव में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, हटा दो इसे। मेरे हाथ क्यों जोड़ती हो? तुम्हारी जगह तो मेरे दिल में है। क्या मतलब भाभी? इतनी ना समझ भी नहीं हो तुम। हम है ना तुम पे मर मिटे हैं। सच में तुम बहुत खूबसूरत हो, मेरे दिल में हो, मुझसे भी। अपनी औकात में रहो बंटी, जो तुम चाहते हो ना वो नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा तो मैं चलता हूँ। ये वीडियो है ना, सत्येंद्र भैया को दिखा दूंगा ना, खुश हो जाएंगे। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे बंटी। मैं ऐसा ही करूंगा भाभी, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ मैं। हटा दो इसे। इसे डिलीट कर दो, मेरी बहुत बेइज्जती होगी। तो चले। चले वीरू और बंटी से सत्येंद्र की कभी पूरी होने लगी। और ये दोनों मेरी जरूरत बन गए। और इन दोनों को भी एक दूसरे से कोई परहेज नहीं था। पता नहीं कैसे गांव वालों को हमारे संबंधों की जानकारी हो गई। आपको पता है आपके घर में क्या चल रहा है? क्या बकवास कर रहे हैं? सुषमा भाभी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है भैया। बकवास मत कर यार, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने खुद ने देखा हूँ उनका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। आप जांच करके देखो भैया। तो बात झूठ निकली ना, याद रखना। मैं सर की कसम खा रहा हूँ भैया। The Vodafone number you have called is currently switched off. अरे मुनेंद्र तू भैया कहाँ है आप? कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ, आपका फोन ही नहीं लग रहा। अरे चार्जिंग खत्म हो गई। भैया आपसे बात करने के लिए कितना परेशान हूँ मैं। कोई जरूरी बात है क्या? गांव घर की कुछ खबर है आपको? क्या बोल रहे हैं? बात क्या है मुनेंद्र, साफ साफ बोल। आप तो सवेरे चले जाते हैं और रात को आते हैं, पूरे गाँव वाले मुझे सुनाते हैं, मुझे मेरा दिमाग खराब हो गया। अरे पहलिया ही बुझाता रहेगा कि बताएगा भी क्या हुआ। मुनेंद्र चुप हो जा, शर्म आनी चाहिए तुझे अपनी भाभी के लिए ऐसा लांछन लगाते हुए। या पूरा गांव कह रहा है। पूरा गांव कहे कि पूरा शहर कहे, मैं नहीं मानता। और तू तू तो मेरा भाई है, तुझे तो ऐसी बात सोचनी भी नहीं चाहिए। मानता हूं कि सुषमा के साथ तेरी थोड़ी अनबन है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तू इसकी बेइज्जती करे। भैया पूरा गांव कह रहा है, कुछ तो सच होगा। जैसे आपकी मर्जी, जो चाहे करें। बस इतना कह रहा हूं कि घर का ख्याल रखिए।
इतनी सुंदर साड़ी मेरे लिए? हाँ मेरी जान, सब तुम्हारे लिए है। सच में बहुत प्यारी है। नहीं नहीं वीरू, अभी तुम जाओ, मुनेंद्र के भैया के आने का टाइम हो रहा है। अरे छोड़ो ना भाभी, सत्येंद्र भैया अभी नहीं आने वाले। तुम जाओ जल्दी से। सुषमा दरवाजा खोलो, सुषमा 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 दरवाजा खोलो, सुषमा। अरे आप आ गए, आओ ना। चलो। क्या हुआ? उस दिन मेरे पति को मुझ पे थोड़ा थोड़ा शक हो गया और बोले कि मुझे सुबह जल्दी काम पे जाना है, और हम खाना खा के सो गए। सुबह बोले जाते वक्त कि मैं रात को नहीं आऊंगा, तो मैं निश्चिंत हो गई और मैंने बंटी को रात को अपने घर बुला लिया। बाय बाय। हे भगवान, अब क्या होगा? आज तो चोरी पकड़ी गई। खोल! पता? मेरे पीठ पीछे अपने यारों को बुला के गुलचर्रा उड़ा रही है, हाँ? बता क्यों आया था बंटी यहाँ पे? मेरी पत्नी नहीं होती ना तो अभी का अभी गला दबा देता तेरा। उस बंटी को तो छोड़ूंगा नहीं, की मौत आज मेरे हाथों लिखी है। क्या बात है भाभी, तुमने अर्जेंट कॉल करके मुझे डरा ही दिया। डरने की बात तो है ही, रात को सत्येंद्र ने बंटी को घर से बाहर निकलते हुए देख लिया, मुझे भी बहुत मारा और उसने बंटी को मारने की धमकी भी दी है। ये तो बहुत बुरा हुआ, अब क्या होगा? अगर बंटी को कुछ हो गया ना तो हम तीनों फंस जाएंगे। कुछ ना कुछ तो सोचना होगा वीरू। हाँ भाभी, कुछ ना कुछ तो सोचना होगा। तो सोचो, जो सोचना जल्दी से सोचो। सोचने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ करना होगा। तो करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। फिर ठीक है, आज की रात उसकी आखिरी रात होगी। कैसे? सुनो,
मौत के बाद वीरू और बंटी रात भर मेरे साथ ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? बताने में तुझे बहुत शर्म आ रही है। चल छोड़ दे इसे। उसके बाद क्या हुआ? रात के अंधेरे में वीरू और बंटी चले गए और मैं सत्येंद्र की बगल में जाके सो गई। आओ महारथियों आओ, ले जाओ इन्हें। आओ नवनीते। हाँ जी। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास के ऐसे दो पहिए हैं जो जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाते हैं। हाँ जी। और इतना विश्वास कि अगर पति कहे अपनी पत्नी के गले पर तलवार रखकर कि मैं तुम्हारा गला काट दूंगा, पत्नी हंसकर हाथ हटाकर कहेगी अजी क्यों मजाक करते हो? बेशक पति सच कह रहा हो, अब तुम बताओ क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं जी, तुसी बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर पत्नी नागिन बनकर पति को डस ले तो विश्वास के बेदाग रिश्ते को दाग लग जाता है। मैं ये नहीं कहता कि पति पत्नी एक दूसरे पर विश्वास ना करें, विश्वास करें, क्योंकि दूसरों पर विश्वास करना हमारा स्वभाव है। हाँ जी। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को कलंकित मत कीजिए, एक दूसरे पर विश्वास कीजिए और खुद को इस योग्य बनाए कि दूसरे भी आप पर विश्वास करें। इसी के साथ मदन डोगरा को इजाजत दीजिए। नमस्कार। उम्र देखे जात पूछे नहीं, प्यार में दिल भी है, मुश्किलें नित नहीं। हो गए कुछ बार हुए कतले प्यार में सावधान।